बड़े ब्रांड उनके साथ काम कर रहे हैं, म्यूजिक ग्रुप स्वरात्मा बैंड उसके साथ काम कर रहा है, और जितने भी उनके गाने उनके लिरिक्स सबको समझो के एक एल्बम रिलीज कर रहे हैं। तो शायद अपने में ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि पहचान देता है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है उनके लिए, और साथ ही साथ सिर्फ ये अब एक इनहेरेंट कल्चर नहीं, एक ट्रेडिशन नहीं रह गया, बल्कि एक रोजगार के आयाम को खोलता है। इसी तरह हम ट्राइबल डांसर्स के साथ काम करते हैं, उनका ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट जो बनाते हैं उनके साथ काम करते हैं, ताकि जो भी विलुप्त तो अपना होते जा रहा है नॉलेज उनको हम प्लेटफॉर्म दे सकें। ट्राइबल कुजीन, आज ट्राइबल खाने का अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग रहते हैं जो, मतलब ऑब्वियसली ट्राइबल कम्युनिटी में तो आप जानते ही हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में वो नहीं जानते हैं कि किस चीज़ का क्या शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, कितना अच्छा है वो चीज़। तो हम ट्राइबल कुजीन पे काम करते हैं, हमारा एक सोच है कि बाहरी दुनिया भी इसे समझे, जितने भी टाटा ग्रुप होटल्स हैं, ताज ग्रुप होटल्स हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनके मेन्यू कार्ड में ट्राइबल कुजीन है, उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ट्राइबल होम कुक को हम लोग कैसे रिकमेंडेशन दे सके, तो सिर्फ वो खाना, मतलब उनके लिए भी वो एक रोजगार बने। हम काम कर रहे हैं कि इंडियन होटल्स के साथ कैसे उनको लिंक कर सके, ताकि वो एक प्रोफेशनल शेफ की तरह अपने डिशेज को लेके जा सके। अभी बाहर आपने देखा स्टॉल लगा हुआ है, तो हम ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट पे भी काम करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट पे हम काम करते हैं। ट्राइबल हीलर्स, अभी सर ने जो बताया था हीलर्स के बारे में, वो पैन इंडिया हम लोगों ने एक एसोसिएशन फॉर्म किया हुआ है, जितने भी अलग अलग राज्य में जो ट्राइबल हीलर्स होते हैं, जो जड़ी बूटी से इलाज करते हैं, उनके साथ हमारा एक एसोसिएशन फॉर्म है कि उनको कैसे प्लेटफॉर्म दे सके। हम कोशिश कर रहे हैं उस ग्रुप को रजिस्टर करके मान्यता दिलाने के लिए, आइडेंटिटी दिलाने के लिए, ताकि उनका जो रोजगार है वो सर्टिफाइड हो सके। ट्राइबल्स पेंटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो पैन इंडिया बहुत सारे ट्राइबल आर्ट है, जैसे अगर झारखंड में बात करें तो सोहराई है, पैनकार है, खोवर है, बट कहीं ना कहीं वो पेंटिंग जो है वो अब ख़त्म होते जा रहा है। वो चीज़ जो है पहले जैसे होता था कि फेस्टिवल के समय में सोहराई का पूरा हर घर घर में दीवार पे आ रहा है, वो मोटिव्स जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, जनरेशन उसको पिक नहीं कर रहे हैं। जो दादा परदादा दादी जो करते थे मोटिव्स, वो अभी आने वाला जो पीढ़ी है उस चीज़ को ले नहीं पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें अगर हम उतरते हैं तो हमारे पास रोजगार का आयाम नहीं खुलता है, जगह नहीं है हमारे पास। तो इसको लेते हुए हम लोगों ने इस पर भी काम किया, हमारा संवाद के तहत ही रेसिडेंसीज होते हैं, हम लोग पेंटिंग रेसिडेंसीज, आर्टिस्ट रेसिडेंसीज करते हैं, जहाँ पे हम लोग पूरे एरिया से जितने भी आर्ट फॉर्म्स होते हैं, चाहे वो वारली हो, वो बोध हो, भील हो, झारखंड से सोहराई हो या उड़ीसा का सोहरा हो, सारे पेंटर्स एक साथ मिलते हैं, कुछ नया क्यूरेट करते हैं, कैनवासेस क्यूरेट करते हैं, एक दूसरे के मोटिव से सीखते हैं, एक दूसरे के ट्रेडिशन कल्चर्स को लेकर के चलते हैं कि आगे इस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसका एक उदाहरण है कि बाहर में अगर आप देखेंगे तो स्टॉल में एक बहुत यंग एज की लड़की खड़ी है, उसका नाम है लकी मनी सरदार, बहुत यंग आर्टिस्ट है वो हमारी। तो सिंस चाइल्डहुड माँ घर पर देख रही है कि मड वॉल पे सोहराई आर्ट होता है, वो पेंटिंग्स होता है छोटा छोटा साथाल घर में, हर घर पे होता है ये, तो उसे उतना ही मोटिव पता था। तो जब हम लोगों ने उनसे बात किया, कहा कि क्यों नहीं इसे आप आगे एक रोजगार की तरह लेके चलते, एक लाइवलीहुड की तरह लेके चलते, तो पहले तो उसके मन में था कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं करना पड़ा, वो तो इनहेरेंट है हर ट्राइबल में, वो कल्चर जो होता है वो इनहेरेंट होता है, बाहर से कुछ सिखाने का ज़रूरत नहीं होता है, फिर थोड़ा सा ब्रशअप करने का ज़रूरत होता है। तो ट्रेनिंग देके ब्रशअप करके हम लोगों ने कहा कि चलो एक ही मोटिव जो आप अपने घर पे अपने दीवार पे डाल रहे हो, इसे ले करके कपड़े में कुछ करते हैं, टेक्सटाइल्स में कुछ करते हैं, कुशन कवर्स करते हैं, होम डेकोर आइटम्स में करते हैं, सो दैट बाहर के लोग भी ये सोहराई सिर्फ आपके गाँव और आपके दीवार तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि हर घर में पहुँचेगा ये सोहराई, ये पैदा हर घर तक पहुँचेगा। उसने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया, ग्रुप में सारे महिलाओं के साथ, 16 महिलाओं के साथ इस चीज़ को शुरू किया। आप बाहर देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी लेकर के वो आई है। उसके बाद जब वो चीज़ उनका अच्छा चला, अच्छा उनका बिजनेस होने लगा, फिर जब रेजिडेंसीज में वो आई, जब उन्होंने कैनवस पे काम किया, जहाँ पे 11 आर्टिस्ट पैन इंडिया मिल करके कैनवस उन्होंने बनाया, तब उसका दिमाग में रहा कि कैनवस भी तो बना सकते हैं।